दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सिसोदिया पर फिर कसा शिकंजा। इस बार केजरीवाल के रत्न मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। नमस्कार, मेरा नाम प्राची तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी ने कार्रवाई करते हुए केस में पूर्व डिप्टी सीएम और केजरीवाल के कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा का नाम भी शामिल है। ये कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अन्य चल अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अंतिम आदेश जारी किया गया था। ईडी ने बताया कि 52 करोड़ की चल अचल संपत्ति में 7,29,00,000 रुपए की 2 प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की है, साथ ही राजेश ज्योति और गौतम मल्होत्रा के प्लाट और फ्लैट शामिल हैं। इस कुर्की में 44,29,00,000 रुपए की कैश और चल अचल संपत्ति शामिल है। इसमें से 11,49,000 रुपए मनीष सिसोदिया और 16,45,00,000 रुपए वृंदको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के हैं। ईडी की इस कार्रवाई पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की 52 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया इस समय दिल्ली शराब घोटाला मामले में फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद है। पहले उन्हें इस केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें।